मान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक सिंपल शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, जो कि बहुत सादा और आसान है। शर्ट की लंबाई तैयार 36 है, यानी 36 है, तो मैं 2 इंच बढ़ा कर लूँगी तो 38 इंच हो जाएगा। ये मैं 38 इंच ले रही हूँ। देखिए 36 तैयार है तो 38 इंच मुझे कटिंग के लिए और सिलाई के लिए रखनी है। पहले मैं लंबाई ले लेती हूँ। स्लीव्स बन जाएंगे। सही से कपड़े को बराबर कर लेना। करने के बाद इसको मैंने डबल कर लिया था, अभी मैं इसका 4 से कर रही हूँ। क्योंकि इसके गला पर गले का डिज़ाइन नहीं बना हुआ है, बिल्कुल सादा है, तो मैं अपनी मर्जी से इसके गले तैयार करूँगी। पहले कंधा लूंगी 7 इंच, फिर आर्म होल के लिए कंधे से 1 इंच बढ़ा के लेते हैं कि मैंने 7 इंच कंधा लिया तो आर्म होल 8 इंच लेंगे। चेस्ट हमारी तैयार है तो मैं इसको 3 इंच बढ़ा के लूंगी तो 25 इंच हो जाएगा। 25 इंच का हाफ है 12.5। चेस्ट 22 है तो मैं 3 इंच बढ़ा के लूँगी। 22 है तो 3 इंच बढ़ा के लूँगी। 3 इंच का हाफ बढ़ा के लूँगी तो 25 इंच हो जाएगा। 25 इंच का हाफ 12.5। 12.5 इंच पे, क्योंकि डबल कपड़ा है, 12.5 इंच पे मैं इसको साढ़े बारह इंच आर्महोल की कटिंग करेंगे। 1.5 इंच बढ़ा के लेंगे यहाँ पे से। गोलाई बनाने के लिए मैं 1.5 इंच बढ़ा कर लूँगी। गोलाई के लिए मैं 4 इंच पे
निशान लगाऊंगी, इस तरह से गुलाई बना देंगे। ये कटिंग के लिए है, और 1.5 इंच ये तैयार सिलाई के लिए है। इसके बाद कमर 6 इंच के बाद मैं कमर लूँगी। कमर हमारा 20 है तो मैं 3 इंच बढ़ा के लूँगी तो 11.5 इंच हो जाएगा। 3 इंच बढ़ा के लूँगी तो उसका हाफ 11.5 हो जाएगा। 20 है तो मैंने बढ़ा के 3 इंच लिया तो 23 इंच हो गया। 23 का हाफ 11.5। इसके बाद मैं 10 इंच के बाद इसके हिप्स लूँगी, हाफ नीचे लेके हिप्स तक। हिप्स हमारे 23 है तैयार, तो मैं 2 इंच बढ़ा के लूँगी तो 25 इंच हो जाएगा। 25 का हाफ 12.5 इंच, 25 अभी 2 इंच मैंने बढ़ाया और इसका हाफ है 25 का हाफ 12.5 इंच। अब मैं स्केल की वजह से सारी लाइन को मिला दूँगा। ये कटिंग के लिए और 1.5 इंच के बाद ये 1 इंच इसका 1 इंच है ये सिलाई के लिए। अब मैं दामन की चौड़ाई लूंगी। दामन 24 इंच है तो मैं 2 इंच बढ़ाकर लूंगी। बढ़ा कर लूँगी 26 इंच हो जाएगा। 26 का हाफ क्यों 13 26 का हाफ 13 इंच दामन में। अब ये दामन स्केल की मदद से दामन और हिप्स को अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये बैक और फ्रंट दोनों साइड काट रही हूँ एक साथ। कटिंग हो गई है उसके दामन को उसे बराबर कर दीजिए। शोल्डर पर से भी 1/2 इंच की कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड को अलग कर लेती हूँ। फ्रंट साइड है
फ्रंट साइड के थोड़ी सी गहराई दूंगी फिटिंग के लिए, कम से कम 1 इंच पे होना चाहिए। इसके गहराई काट ली मैंने, अपने स्लीव्स की कटिंग करूंगी। आर्म होल मैंने 8 इंच लिया था तो ये मैं 9 इंच लूंगी, तो ये कपड़ा कम है तो मैं इसमें जोड़ लगाऊंगी। तो कपड़ा कम हो तो जोड़ लगा के इसकी कढ़ाई बढ़ाई जा सकती है। अब मैं स्लीव्स काटने के लिए स्लीव्स का कपड़ा लेने के बाद 3 इंच उसके निशान लगाते हैं, उसके बाद इसको इस तरह से क्रॉस में, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये आर्म होल के साथ अटैच होंगे, वो करते हैं। फिर इसको गोलाई में कटिंग कर देते हैं। तैयार करूँगी, ये मुझे 6 इंच तैयार चाहिए तो मैं 7 इंच को निशान लगाऊंगी। मैं इसको स्लीव्स की फिटिंग पे निशान लगाती हूँ, इसको बराबर से फिटिंग।